गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू सब्जेक्ट है आप लोगों का हिंदी, चैप्टर वन। चैप्टर वन का कविता हो गई है पढ़ाई, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ भाषा ज्ञान। नंबर एक, समान तुक वाले शब्द लिखिए। क नंबर में दिया गया है वरदान, और आप लोगों को बनाकर भी बता दिया गया है वरदान को। यहाँ पे नादान लिखा गया है। देखो बच्चों, वरदान और नादान दोनों को जब हम बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि दोनों एक जैसे बोल रहे हैं, सिर्फ इसमें चेंज क्या है, यहाँ वरदान और यहाँ नादान, दोनों के अर्थ अलग होंगे, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो लगता है दोनों सेम समान तुक है। उसी तरह से यहाँ है कर्म, तो क की जगह पर अगर हम वर्ण को बदल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं धर्म, सेम उसी तरह हो जाएगी कर्म का धर्म। उसी तरह से आगे है सच्चा, इसको हम क्या लिखेंगे, बच्चा, और सारे शब्द भी होंगे जिसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ये छः आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट दो नंबर है, वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, अब इससे हमको शब्द तैयार करना है। यहाँ भ लिखी गई है, भ में हलंत लगा हुआ है, और यहाँ अ। तो बच्चों, जब हम वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण जो है दो प्रकार की होती है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम बिना किसी वर्ण के सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से ही बोलेंगे, क्योंकि जब तक स्वर वर्ण का सहायता नहीं लेंगे तब तक हमारा व्यंजन तैयार नहीं होगा। यहाँ भ है, लेकिन जब तक हम इसमें अ स्वर को नहीं ऐड करेंगे तब तक हमारा भ पूरा वर्ण नहीं होगा, ये आधा ही रह जाएगी। यहाँ भ जोड़ अ है, इसका वर्ण बनेगा भ। जब हम उच्चारण करते हैं भ बोलते समय उच्चारण में अ आ रही है। इसी तरह यहाँ है ग जोड़ अ, क्या हो गई ग। व जोड़ आ, अब यहाँ आ स्वर की मात्रा ली गई है, आ ली गई है, तो व में जब हम आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वा। न जोड़ अ, न हो जाएगा भ ग वा न, इससे हमको नया शब्द तैयार हुआ भगवान। उसी तरह से आगे है ख नंबर, प में हलंत लगा हुआ है, जोड़ र में हलंत है, फिर अ है, और र में हलंत जब है यहाँ पर तो र या तो रेफ की मात्रा लगाते हैं नहीं तो फदेन की मात्रा लगता है। तो प र और अ है, तो प को जब हम पूरा करेंगे तो अ आएगा, और मात्रा लगाने के लिए अगर रेफ की मात्रा लगाते हैं तो ये र, जैसे व लिखते हैं व पर रेफ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण करते समय र पहले आएगी और व बाद में आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर्व लिखते हैं, तो जब उच्चारण कर रहे हैं तो बोलते हैं पर्व, तो र हम पहले बोल रहे हैं, व को बाद में बोल रहे हैं, लेकिन
यहाँ र पहले है तो इसमें फदेन की मात्रा आएगी, तो ये क्या हो जाएगी प्र। अब है यहाँ भ जोड़ उ, यहाँ छोटी उ की मात्रा है इसलिए छोटी उ की मात्रा कैसे होती है ह्रस्व उ इधर, तो क्या बनेगी नया शब्द प्रभु। इसी तरह से है स जोड़ अ जोड़ त जोड़ य जोड़ अ। अब यहाँ देखो स में अ जब हम लगाते हैं तो ये मेरा पूरा स तैयार होता है, लेकिन यहाँ त में अ नहीं लगा हुआ है यानी ये त जो है आधा हो गया। फिर य में अ लगा हुआ है तो य मेरा पूरा हो गया, तो स और तय संयुक्त बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सत्य। घ है ध जोड़ अ, ध हो गया। अब देखो यहाँ पे र पहले आया हुआ है और म बाद में है ना, जैसे कि आप लोगों को यहाँ बताए थे तो यहाँ पदेन की मात्रा लगाए थे लेकिन यहाँ पर क्या लगेगी रेफ की मात्रा लगेगी, और जब म पर रेफ की मात्रा लगा देंगे और इसमें अ जोड़ेंगे तो मेरा पूरा वर्ण तैयार होता है म, तो ये क्या हो जाएगी धर्म। अंग नंबर है द जोड़ व जोड़ ए जोड़ स जोड़ अ। अब देखो यहाँ उसी तरह से है द व और उसके बाद है ये, तो द व दोनों आधा आधा वर्ण हो गया तो क्या हो गया द्व, द व संयुक्त, और इसमें लगाएंगे ए की मात्रा द व संयुक्त देंगे ये की मात्रा लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आधा ये मेरा द हो गया, ये व हो गया, ऊपर ए की मात्रा हो गया द्वे, और यहाँ स जोड़ अ है तो क्या हो गया स द्वेश। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, द को हलंत लिखकर लिखते हैं और व को ए की मात्रा दे देते हैं तो ये बन जाता है वे और स द्वेश। इस तरह से भी हम लिखेंगे, मेरा गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा। अब नेक्स्ट है थ्री नंबर, नीचे एक गुप्त संदेश दिया गया है, कोड को समझते हुए वह संदेश ढूंढिए। एक से लेकर सात तक यहाँ अंक दी गई है और सेम अंक के नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, या वन के नीचे है त्य, दो के नीचे है लो, तीन के नीचे है ह, उस तरह से सेवन तक आप लोगों को दी गई है। नीचे आप लोगों को बॉक्स बना हुआ है और उसमें अंक दिया गया है 3, 5, 7। अब इसमें से हमको ढूंढना है 3। अब यहाँ 3 है, 3 के नीचे क्या है ह, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे ह। अब यहाँ है मेरा 5, 5 के नीचे देखो कौन सी वर्ण है मे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मे। अब यहाँ 7, 7 के नीचे क्या है सा, यहाँ पे लिख देंगे सा। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक मेरा नया शब्द तैयार होगा, क्या हो जाएगा हमेशा, हमेशा। उसी तरह से 6 और 1, अब देखो यहाँ 6 में है स, 1 में है तय संयुक्त, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा सत्य। उसी तरह से यहाँ 4 है, 4 के नीचे है बो, बो लिख दिए, और 2 के नीचे है लो, दोनों को यहाँ पे लिखेंगे लो, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बोलो। इस तरह से आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ओके थैंक्स।